था और वहाँ पे बगल में बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने देखा कि क्या भीड़ लगी है। तो वहाँ कुछ लोग खाना पीना खा रहे थे, तो हमने कहा यार ये तो मेरे ही लोग हैं, क्यों इनको परेशान करते हैं, क्या इनका साले महामंत्री भी पकड़ो, ये भी बहुत क्या बोलते हैं गैंग बनता है, बालू खान रुकवाता है, दिक्कत करता है, इसलिए इनको भी डिस्टर्ब किया जाएगा और इनको इनकी बदनामी की जाएगी, इसलिए नाते सारा षडयंत्र ने रचा उसने, सिपाही अशुद्ध दरोगा जो भी थे सभी, क्योंकि हम कभी एक या किसी घूस पताई वाला काम करते नहीं थे, कोई कहने वाला नहीं था, इसका नतीजा मिला। लेकिन आप लोग का स्नेह और प्यार इतना है, इससे लगता है कि हमारा जो भी हुआ वो आपको सब जानकारी में है, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी भारत माता की, भारत माता की, सभी लोग ने आए, आप लोग हमारा साथ दिया और आपका विश्वास ऐसे बना रहे, सबका धन्यवाद। आप लोग जाइए घर, बाकी कार्रवाई होगी जो होना है। महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राम सुंदर निषाद जी हम सबके नेता हैं और आज पूरे जनपद को और सभी लोगों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी एहसास हुआ होगा कि यदि महामंत्री जी के साथ पुलिस प्रशासन ने गलत प्रकार का व्यवहार किया तो पूरी पार्टी, आप सबने देखा होगा कल हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी स्वयं लखनऊ से चल करके महामंत्री जी से मिलने जेल में गए। परसों दिन हम लोग स्वयं माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार जी, पूरी पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी महामंत्री जी के साथ खड़ी है और ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रदेश नेतृत्व ने आश्वासन दिया है, जिसके क्रम में आप सबको यह जानकारी हुई होगी कि महामंत्री जी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक का कल सायंकाल ही तबादला अन्यत्र कर दिया गया। बाकी और भी जो इस प्रकार के भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी जिला के अधिकारी इस जनपद में हैं, महामंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों संयुक्त रूप से ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सबका साथ, सबका विश्वास, विकास और सबका विश्वास, अंत्योदय की परिकल्पना के साथ गाँव गरीब किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, हमारा नेतृत्व खड़ा है। सभी ऊपर के नेताओं ने एक स्वर में हम लोगों से कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई और महामंत्री जी का सम्मान, यह दोनों भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। आप सबके सामने आज हमारे महामंत्री जी हमारे बीच में हैं और जिसके क्रम में आप सबको ध्यान में है, पुनः उसको दोहराता हूँ, पुलिस अधीक्षक का तबादला हो गया और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं।